हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम सी लैंग्वेज में यूज़ होने वाले इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, जिन्हें नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी कहा जाता है, उनके बारे में सीखने जा रहे हैं। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ पर हमें मोर देन वन कंडीशंस का यूज़ करना हो। जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है, ज़ीरो से छोटा है, या फिर क्या नंबर जीरो के इक्वल है। तो उस केस में हम तीन कंडीशंस आ गई तो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर मोर देन थ्री हो तो भी हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इफ एल्स इफ के बारे में समझा रहा हूँ, तो आइए ये देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या किया, इफ लगाया, इफ कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद कंडीशन ए ग्रेटर देन जीरो। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो क्या करें, प्रिंट एफ कमांड को एग्जीक्यूट करें। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, मैंने ब्रेसेस नहीं लगाए, कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि अगर हमें सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी हो तो विदाउट ब्रेसेस भी काम कर सकते हैं। हर बार इफ या एल्स इफ या फिर एल्स स्टेटमेंट के बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो विद इन दैट स्टेटमेंट ही आती है, इसलिए अगर हमें सिंगल स्टेटमेंट यूज़ करनी हो तो हम विदाउट कर्ली ब्रेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें मोर देन वन स्टेटमेंट यूज़ करनी हो तो हमें कर्ली ब्रेसेस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमने लिखा एल्स। एल्स के बाद जैसा कि मैंने कहा नेस्टेड इफ एल्स, एल्स में हमने फिर से एक कंडीशन लगा दी, ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो दो कंडीशन रह गई। उसके बाद लिखा इफ, एल्स स्पेस इफ, उसके बाद कंडीशन जो हमने लिखनी है वो लिखी, ए लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो हम चेक करते हैं क्या ए की वैल्यू लेस देन जीरो है। अगर हो तो हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज़ किया, यहाँ पे लिखा लेस देन जीरो। अब अगर दोनों स्टेटमेंट ही नहीं है तो क्या होगा, ये एल्स चलना चाहिए, तो हमने एल्स लिखा और उसके साथ प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाई। यहाँ पे अगर हमें और कंडीशंस भी लगानी है तो भी हम एल्स इफ करके कंडीशन लगा के लगा सकते हैं, बट यहाँ पर हमारी कंडीशन सफिशिएंट है इसलिए हमने नहीं लगाया और जस्ट इसे यूज़ कर रहे हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, ग्रेटर देन जीरो, इसको कम करके माइनस वन, अब देखिए लेस देन जीरो, एंड इफ जीरो जीरो। ओके, तो ये था नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स इफ। थैंक यू वेरी